पॉलिटिकल जो कनेक्टेड पर्सन की बात अभी भूपेंद्र जी यादव कर रहे थे, ये रॉबर्ट वाड्रा जी ने कई कंपनियां बनाई, लगभग 12 कंपनी, और 2008 से ये हमारे बीकानेर जिले में किसानों से जमीनें ले रहे हैं। वो जो एरिया है हमारा, वो सोलर पार्क के लिए मुहित था और केंद्र सरकार ने ये कहा था कि 722 कंपनियों को हमने ये लाइसेंस दिया है कि आप वहाँ जा करके सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाएं, और राजस्थान सरकार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन देगी या सस्ती दरों पे जमीन देगी। राजस्थान सरकार ने पहले अपनी पॉलिसी जारी की कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन देंगे, आप सोलर के लिए अप्लीकेशन लगाएं। उसके बाद उन्होंने कहा हम 10% DLC रेट पे देंगे, लेकिन समय बीतता गया और इस बीच में ये कंपनियां बना करके जमीन खरीद गई। उसके बाद प्राइवेट आदमी ने अपना लैंड बैंक विकसित कर लिया और ये सारी जमीनें या तो हाईवे के पास आ गई या तो ग्रिड सब स्टेशन है उनके पास आ गई, क्योंकि वो इकोनॉमिकली वाइबल पड़ता है प्रोजेक्ट सोलर का अगर ग्रिड सब स्टेशन के पास हो। और ऐसा करके ये 3 साल में फिर राजस्थान सरकार ने एक सीलिंग एक्ट में भी संशोधन किया, हम 175 बीघा से ज्यादा कोई आदमी जमीन नहीं खरीद सकता, सीलिंग है, और अगर सीलिंग से ज्यादा कोई जमीन खरीद भी सकता है तो राजस्थान सरकार के कैबिनेट से उसको परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं किसी पब्लिक पर्पज के लिए कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहता हूँ। तो ये जमीन इन्वेस्टर को खरीद सकता है लेकिन ट्रेडर नहीं खरीद सकता किसानों की जमीन, ये हमारे सीलिंग एक्ट में एक प्रावधान था और इसने ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी। आज जो भी सोलर पावर प्लांट लगाने वाला आता है वो देखता है जमीन ग्रिड सब स्टेशन का, बोला यहाँ है जमीन, बोला जमीन तो हमारे पास नहीं है, राजस्थान सरकार से पूछता, बोला हमारे पास भी नहीं, तो मजबूर होकर के प्राइवेट आदमी से पास जाना पड़ता है और 100 गुना 200 गुना जितनी ज्यादा पार्टी होती है उसके हिसाब से जमीन लेता है। हमारा ये कहना है कि सार्वजनिक जीवन में लोग कह सकते हैं कभी वो व्यक्ति किसी पद पे नहीं है, लेकिन वो किसी पद पे बैठे हैं उससे जुड़ा हुआ तो है, तो हमारा ये कहना इसकी जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों नहीं बोला उसको, ईडी ने क्यों नहीं कार्रवाई की, इसलिए हमने प्रश्न काल को स्थगित करके और इसमें चर्चा कराने का नोटिस दिया गया और इंक्वायरी मांगी।